रोहित ने सोनाक्षी को बचाने के लिए करण की पिटाई की और उसे सोनाक्षी से दूर रहने की चेतावनी भी दी। सोनाक्षी नरक में हैरान है क्योंकि किसी ने भी उसके लिए ऐसा नहीं किया है और वे सभी मंत्रमुग्ध है। रोहित उसकी देखभाल करता है और उसे घर छोड़ देता है। सोनाक्षी केवल रोहित के बारे में सोच सकती है और वह उसके लिए कैसे खड़ा हो सकता है। करण की वजह से सोनाक्षी काफी गुजरी थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि खुशी प्यार की शुरुआत है। इधर रोहित भी सोनाक्षी के लिए महसूस करता है और गुस्से में है कि कैसे करण सोनाक्षी के साथ व्यवहार करता है, और उससे हैरान होता है कि उसने उसके लिए इस तरह से व्यवहार क्यों किया। सोनाक्षी और रोहित पूजा को असली अपराधी खोजने के लिए एक साथ आए हैं और एक योजना बनाते हैं। रोहित और सोनाक्षी ने नोकझोंक के क्षणों को साझा किया और यहाँ दीपा ने रोहित की तारीफ की कि वे सोनाक्षी को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। सोनाक्षी, रोहित ने सुमित और करण को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई और इस तरह जो भी अपराधी उनसे मिलने आएगा, सुमित और करण दोनों आएंगे, जैसा कि उन्होंने वहां किया है, कर्मों का हिस्सा है। करण सोनाक्षी से बीमार बोलता है और वे उससे बचने की कोशिश करता है, जबकि यहां रोहित समय पर आता है और करण को चेतावनी देता है, लेकिन वे अप्रभावित लगता है और इस तरह लड़ाई में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार रोहित सोनाक्षी को उसके घर ले जाता है और कुछ बारिश के पलों को साझा करता है।